आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल MP कैंपस में स्वागत है। दोस्तों, ये जो नया बैच बनाया है हमने, नंबर वो क्या नाम UPTET, CTET, NTPC एंड अदर एग्ज़ाम के लिए, उसका आज का टॉपिक है आपका नंबर सिस्टम। व्हाट इज नंबर सिस्टम? नंबर सिस्टम में संख्या पद्धति। तो हम आपको जीरो से हीरो तक, अगर आपको मैथ कतई नहीं आती है तो हम जीरो से हीरो तक बनाने में अपनी पूरा प्रयास करेंगे, बस आपको मेहनत करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन एक बार आया था एग्ज़ाम में कि ये नंबर दूसरा था, लेकिन वो था उसमें लिखा था कि उस नंबर के स्थानीय मान और अंकीय मान का अंतर क्या है। लेकिन अब तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो बहुत हार्ड क्वेश्चन आ रहे, कहने को हार्ड है लेकिन बहुत सरल क्वेश्चन। तो कह रहा है इसके स्थानीय मान और अंकीय मान में अंतर क्या है, अगर आ गया तो क्या करोगे, तो बताना था ही। तो स्थानीय मान और अंकीय मान, ये लिखा है आठ के स्थानीय मान, तो आठ का स्थानीय मान का मतलब है आठ इस संख्या में कौन सी पोजीशन पर है। काई ढाई सैकड़ा हज़ार यानी 8000। और फेस वैल्यू अंकीय मान, हर अंक का अपना ही मान होता है, और अंक भी आपसे कभी पूछ दे हाउ मैनी, कितने अंक होते हैं, हाउ मैनी डिजिट्स यानी नंबर्स, कितने अंक होते हैं, तो आप कह देना अंक होते हैं 10। अब कौन से 10? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ये आपके अंक होते हैं, ठीक है। इसके बाद है तो आपने अब करा डिफरेंस क्या होगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 8 इन द गिवन नंबर 9, 7, 8, 4, 3, 2। तो आप इस तरह निकालेंगे। अब नंबर जब पढ़ रहे तो नंबर के बारे में, तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया कॉम्प्लेक्स नंबर। व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर? इसे कहते हैं मिश्र संख्या या सम्मिश्र संख्या भी कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर मेनली टू टाइप्स होते हैं, दो अंकों से मिलकर बने होते हैं, जिसमें एक होता है वास्तविक संख्या और एक आपकी होती है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या सभी संख्या, पे सभी संख्या जो माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होकर जीरो और प्लस इनफाइनाइट तक चलती हैं, यानी ऑल द नंबर्स आर रियल नंबर्स, ठीक है। इसके बाद है आपकी काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या वो संख्याएं होती हैं जिनकी काल्पनिक, जिनकी कल्पना कर सकें। ये केवल इंटर में आपका चैप्टर है, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, और आई मीन्स आयोटा बोलते हैं इसे, और आई का मान होता है रूट माइनस वन, लेकिन आई स्क्वायर का मान होता है माइनस वन। जैसे आपको कह दिया गया 4 + 3i, तो इसमें कह देगा इसमें रियल नंबर क्या है, व्हाट इज़ द रियल नंबर एंड व्हाट इज़ द इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर इसमें क्या है आपका 4 इज़ अ रियल नंबर एंड 3i जिसके साथ आई लगा है वो 3 है आपका, 3i है आपकी इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या, और ये है तुम्हारी वास्तविक संख्या, ठीक है। तो ऐसा एंटर कभी पूछा, एंटर की बात कर रहे, ऐसा कभी पूछा नहीं गया। फिर भी नेक्स्ट है आपका, तो वास्तविक संख्या के मेनली फिर हम दो पार्ट करते हैं, दशमलव संख्या जिसे हम कहते हैं डेसिमल नंबर, एंड दूसरा है पूर्णांक, इसे इंग्लिश में हम इंटीजर्स कहते हैं। दशमलव संख्या में, अब दशमलव भी आपके कई प्रकार के होते हैं, रूट पॉइंट फाइव हो गया, पॉइंट थ्री 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 मतलब रिपीटेड नंबर, एंड पॉइंट 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 मतलब 1 2 3 4 का रिपीटेशन हो रहा, एंड नेक्स्ट है आपका 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 3 5 4 6 मतलब नॉन रिपीटेड नंबर। नॉन रिपीटेड का मतलब है 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक आया बेटा, फिर 2 से स्टार्ट हो गया भैया, फिर 3 से स्टार्ट हो गया, मतलब 1 से ही स्टार्ट नहीं हो रहा, तो ये नॉन रिपीटेड नंबर हो गया। और नॉन रिपीटेड नंबर इसी में हम कहते हैं दशमलव संख्या में मान लेते हैं एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या कौन सी होती है? परिमेय संख्या को हम कहते हैं, परिमेय संख्या कौन सी होती है? तो परिमेय संख्या वो संख्याएँ होती हैं जो पी बटे क्यू के रूप में लिखी जाएँ, पी बटे क्यू का मतलब अंश बटे हर के रूप में लिखी जाएँ, दूज नंबर विच आर इन फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, जिसका क्यू जीरो ना हो, जिसका हर जीरो ना हो, जिसका डिनोमिनेटर जीरो ना हो, तो वो हमारी कैसी होगी? परिमेय संख्या।
एंड इसका मतलब जिसका डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा वो परमे होंगी, और जिनका डिनोमिनेटर जीरो होगा और किसी भी संख्या में अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो वो आपका क्या होता है, इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट को इंग्लिश में कहते हैं अपरिमेय संख्या, आम इस नहीं परमेय जिसे मापा ना जा सके। इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है कि पाई और बैस बटे सात कैसी संख्या है। तो पाई आपकी इमेजिनरी नंबर है, वास्तविक वो अपरिमेय संख्या है, और बैस बटे सात आपकी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। क्यों पाई बैस, जबकि हम वैल्यू फाइंड करते हैं पाई इक्वल टू बैस बटे दो, ये मेंसुरेशन में रखते हैं, तो भैया पाई का ये रियल मान नहीं है बैस बटे दो। बैस बटे सात इज नॉट द रियल वैल्यू ऑफ पाई, एंड पाई की कोई रियल वैल्यू है ही नहीं, लगातार जब तक आप भाग देते चले जाओगे तब तक चलता ही चला जाएगा, ठीक है। लेकिन हम मान लेते हैं अपना बाईस बटे सात, तो बाईस बटे सात नोमिनेटर अनुपॉन डिनोमिनेटर अंश बटे हर, दैट इज कॉल फ्रैक्शन एंड दैट इज इन परिमेय संख्या, ठीक है। तो परिमेय संख्या क्या होगी, जो नंबर अंश बटे हर के रूप में लिखे जाएं या जो नंबर रिपीटेड होते हैं, जैसे अभी हमने आपको बताया था, देखो थोड़ा यहाँ पे बता दें पॉइंट थ्री 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 ये बताया, ठीक है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, लगातार चलता चला जा रहा है, तो इसे हम पॉइंट थ्री बार लिख सकते हैं। थ्री बार की वैल्यू क्या होती है, थ्री अपॉन नाइन, ये कैसे आया ये हम आपको आगे चल के बताएंगे, ठीक है। और नॉन रिपीटेड नंबर, नॉन रिपीटेड नंबर होंगे वो सब अपरिमेय संख्या होंगी। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि ए और बी के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो ए और बी के बीच में एक परिमेय संख्या बात की बात अगर की जाए तो एक परिमेय संख्या आप निकाल सकते हैं ए प्लस बी अपॉन टू। चलो भैया, तो कह रहा तीन और चार के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो थ्री प्लस फोर अपॉन टू साढ़े तीन, मतलब 3.5 आ गया। अगर ऐसे ही कहा जाए ए और बी के बीच में एन नंबर्स एन परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तब आप क्या करेंगे, तब बस यही एक फार्मूला है एन प्लस बी अपॉन एन प्लस बी। एन क्या है, एन इज अ नंबर, जितने भी आप निकालो तीन चार पाँच से पहले निकालेंगे वन टू थ्री फोर, ऐसे नंबर लिखते चले जाएंगे, ठीक है। इसके बाद है जैसे इसमें आपको लगा के दिखा दें, जैसे आपको एक निकालनी थी, एक और किसके बीच में, तीन और चार के बीच में, तो ए की वैल्यू थ्री होगी, थ्री, और एन की वैल्यू जब हम एक निकाल ले पहली निकाल ले, और बी की वैल्यू है चार अपॉन एन प्लस वन, वन प्लस वन, यानी तीन एकम तीन चार, सात बटे दो इक्वल टू कितना हो गया 3.5। सर आपको अगर पूछा जाए कि ए और बी के बीच में अपरिमेय संख्या, वो भी एक अपरिमेय संख्या, तो आप रूट ए बी करके निकाल सकते हैं, और रूट ए बी क्यू रूट ए बी, जैसे आपसे कह दिया जाए फोर और फाइव के बीच में या टू और थ्री के बीच में अपरिमेय संख्या पूछी गई, टू और थ्री के बीच में एक अपरिमेय संख्या, दो कोमा तीन के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो आपको बस कुछ नहीं करना है, एक अपरिमेय संख्या निकालना है, तो बस आपको लगाना रूट टू मल्टीप्लाइड बाई थ्री इज इक्वल टू सिक्स। कहने का मतलब जो नंबर आए वो नॉन रिपीटेड नंबर होना चाहिए, नॉन रिपीटेड नंबर, ठीक है। इसके बाद है और संख्या होती है आपको सम संख्या, ठीक है, विषम संख्या, भाज्य संख्या एंड अभाज्य संख्या, ये तो सब आप जानते हैं, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेंगे थोड़ा। सम संख्या इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर, विषम संख्या इन इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर, भाज्य संख्या इसे कहते हैं, अभाज्य संख्या ऐसे कहते हैं प्राइम नंबर, और ये डिविजिबल नंबर। इवन संख्या वे संख्या जिनके इकाई के स्थान पर दो चार छः आठ और जीरो लिखा हो, यानी ऐसी नंबर जो दो से आपकी पूर्णतया डिवाइडेड हो जाए, दो नंबर विच इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई टू इज कॉल्ड इवन नंबर। जैसे आपको कह दिया गया फोर सेवन एट नाइन टू, कैसी संख्या है, सम संख्या, हमें देखना क्या इकाई का अंक देखा है, दो से कट रहा, ओके, तो ये हो जाएगी। विषम संख्या कौन सी होगी, वे संख्या है जो दो से विभाजित नहीं होती, पूर्णतया विभाजित नहीं होती, तो दो नंबर विच इज नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल बाई टू इज कॉल्ड ऑड नंबर। जैसे आपका है पाँच सात
नौ ग्यारह डॉट 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 ऐसे निकाल सकते हैं। इसके बाद है अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो केवल एक से कटें, जो एक से विभाजित हों और स्वयं से, और स्वयं से, ठीक है, जो एक से और स्वयं से विभाजित होंगी वो हमारी अभाज्य संख्या होंगी। जैसे जैसे आपका आ गया तीन है, पाँच है, सात है, ग्यारह है, तेरह है, सत्रह है, डॉट 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 इस तरह की, ये तुम्हारी है अभाज्य संख्याएं। और भाज्य संख्याएं इन सब को छोड़कर, इसको छोड़कर, अभाज्य संख्याओं को छोड़कर जितनी भी संख्याएं हैं सब कैसी हैं तुम्हारी भाज्य संख्याएं। तो क्वेश्चन आपका आता है कि पहली दो, दो कैसी संख्या है, तो दो आपकी सम संख्या है और कैसी है अभाज्य। तो सम क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सम अभाज्य संख्या निम्नलिखित में से कौन सी है, तो आपकी कौन सी है दो, ठीक है। तो दो आपकी अभाज्य संख्या भी है, दो आपकी सम संख्या भी है, ठीक है जी। इसके बाद एक पॉइंट आता है सह अभाज्य संख्या। क्या पॉइंट आता है? सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? ऐसे दो नंबर जैसे आपका है दो और तीन, ठीक है, चार और पाँच, छः और सात, ये कैसी है नंबर? सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या वे संख्या हैं जिनमें कोई चीज़ कॉमन ना हो, ठीक है, कैसी कहलाएंगे आपकी सह अभाज्य संख्या है। दो तीन चार पाँच कुछ कॉमन है नहीं, छः सात कुछ कॉमन है नहीं, तो ये हमारी जो संख्याएं हैं वो सभी संख्याएं आपकी हैं सह अभाज्य संख्या। फिर आता है अपन नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक से लेकर पचास तक की संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो इसको आप रट्टा मार लेना। एक से लेकर पचास तक की अभाज्य संख्या, पचास तक की अभाज्य संख्याएं होती हैं पंद्रह, ठीक है, और 50 से 100 तक की अभाज्य संख्या 10, और 1 से 100 तक की पूछा जाए तो 15 और 10 कितनी होगी 25। तो ये संख्या से क्वेश्चन था जिसमें बिल्कुल नॉर्मल हमने बताया, कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा था। और आप बस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। आप अगर लाइक सब्सक्राइब करते रहेंगे तो अगले अंगे हम वीडियो और बनाते रहेंगे। इसके बाद आपका है क्वेश्चन आपका आता है जैसे हम बताए, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ दिया गया कि ए प्लस बी बराबर और टेन, और कहता कि ए और बी, क्वेश्चन ये आया आपका कि ए और बी दो ऐसी संख्याएं हैं, सॉरी कहाँ पे लिखा यार, ए प्लस बी बराबर टेन, कह रहा ए और बी संख्याओं का योग आपका है ए प्लस वो योग कितना है आपका 10, तो ऐसे कितने जोड़े होंगे। तो बस जबकि ए इज लेस देन बी, जबकि ए का मान बी से छोटा है, तो बस हमें क्या करना है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 10 है तो हम दो संख्या लेंगे। सबसे पहले चलो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं, 9 1 1 9, 2 8, 3 2 3, 4 5 6, ठीक है, 8 7 6, बस अब देखो कितनी संख्या है, कितने जोड़े होंगे, तो देखो आपका लिखा 1 और 9 1 9 होगा, 2 8 नहीं होगा, क्यों, ये 2 8 सह अभाज्य संख्या नहीं है, सह अभाज्य संख्याओं के केवल जोड़े होंगे, 7 3 एकदम होगा, 6 4 एकदम नहीं होगा, ठीक है, 5 5 बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, तो ये तुम्हारे कितने जोड़े हो जाएंगे 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला पॉइंट आपको बता रहे इकाई का अंक, ठीक है, तो इकाई का अंक कैसे निकालेंगे, बहुत सरल है, एक ही क्वेश्चन में समझ लेना, 4 3 2 1 मल्टीप्लाई 4 7 4 2 मल्टीप्लाई 3 2 1 4 मल्टीप्लाई 1 2 3। अब वो कहेगा इसमें इकाई का अंक क्या होगा, इसके गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, तो कुछ भी नहीं होगा, सीधा सीधा लगा लो 3। इकाई के अंक की बात करें तो इकाई का ही अंक आपको लेना है, बाद बाकी अंक से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो 3 4 12 12 में इकाई का अंक 2 2 2 4 4 1 4, तो इकाई का अंक यहाँ पर क्या होगा आपका 1। एक और देख लो, जैसे क्वेश्चन जैसे कह देगा 4 7 3 2 मल्टीप्लाई 5 4 1 3 मल्टीप्लाई 3 2 1 6 मल्टीप्लाई 1 4 5,
वो कह रहा है इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो इसमें इकाई का अंक निकालने के लिए तुम्हें ये देखा फाइव फाइव, तो पाँच छक्का तीस, इकाई का अंक जीरो। अब जीरो का किसी जीरो गुणे तीरो जीरो, जीरो गुणे पाँच जीरो, मतलब फिर इसके बाद आपका क्या आएगा जीरो ही आएगा। नेक्स्ट देखो इकाई का अंक आपसे पूछा जाता है, फिर ये पूछा जाता है इसमें शेष क्या होगा, शेष फल। संख्या पद्धति से छोटे छोटे क्वेश्चन आज कराएंगे और सेकंड वीडियो में आपको बढ़िया क्वेश्चन होगा शेष फल क्या होगा। जैसे वो कह देगा कि कोई संख्या ले लो, जैसे कह दिया 16 × 15 × 14 डिवाइडेड बाई आपका कह दिया उसने 9। अब वो ये कह रहा इनके गुणनफल करने के बाद शेषफल क्या होगा। तो शेषफल निकालने के लिए थोड़ा शेषफल के बारे में थोड़ा देखो, जैसे लिखा आपने 5 / 2 शेषफल क्या होगा सबको पता है 1। फिर हम लिख दिया 7 / 3 सबको पता है कितना शेषफल होगा 1। फिर हम लिख दिया 8 / 5 फिर कितना शेषफल होगा 3 सबको पता है। अच्छा पता तो सबको है आपको, तो देखो इसको कैसे करेंगे आप, 5 जो है 2 × 2 = 4 एक शेष बच गया, या ऐसे हम इस तरह कर सकते हैं 5 को 2 से भाग देने पर 2 × 2 = 4 एक शेष और 2 × 3 = 6 माइनस एक शेष। ठीक है तो माइनस कभी शेष होता है कभी नहीं होता, तो 2 में से माइनस 1 चला गया कितना बचेगा 1। कहने का मतलब कि 9 का आप 16 में डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा और शेष क्या बचेगा, बस आप शेष फल पूछ रहा ना तो शेष क्या बचेगा बस ये देखना। तो 9 × 1 = 9 = 7 शेष फल, यहाँ 9 × 1 = 9 = 6 शेष फल, 9 × 1 = 9 = 5 शेष फल। गुणा करोगे क्योंकि इनके बीच में गुणा का निशान था, गुणा करना पड़ेगा तो 6 × 5 = 30 + 7 = 210 अभी भी आ गया 210। फिर 9 से आप भाग दोगे तो शेष फल क्या आएगा 9 × 2 = 18 3 तो 30 हो गया 9 × 3 = 27 3 तो शेषफल हमारा क्या आएगा 3। इस तरह आपको करना थोड़ा शॉर्ट और देखो 16 × 15 × 14 / 9 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। हम क्या करेंगे 9 × 2 = 18 अच्छा यहाँ अगर 18 होता तो कितना शेषफल होता, कुछ भी नहीं हो, माइनस 2 ज़्यादा है, 9 × 1 = 9 कितना ज़्यादा है माइनस 9 × 9।